ओम नमः शिवाय। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष बुधवार त्रयोदशी तिथि शाम 8:35 तक लगी रहेगी। तत्पश्चात चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा मूल नक्षत्र में आज पूरे दिन शाम 6:30 तक चलते रहेंगे। तत्पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव हैं। आज पूरे दिन की अधिकतम कार्य अवधि में मूल नक्षत्र कायम रहेगा, जिसका विवरण कल वाले राशिफल में दिया जा चुका है। चंद्रमा आज पूरे दिन धनु राशि में ही चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी बृहस्पति देव हैं। शनि चंद्रमा से बना विष योग आज भी कायम रहेगा और धीरे धीरे चंद्रमा अपनी पूर्णता की ओर पूर्णिमा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और इस बार के पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण भी लगेगा, जो कि मकर राशि पर लग रहा है। यहाँ दो चीज़ें एक साथ हो रही हैं, कर्क राशि पर काल सर्प योग गठित है और मकर राशि पर चंद्र ग्रहण आने वाले दिनों में लगेगा। इन दोनों का मिला जुला प्रभाव प्रत्येक जातकों पर उनके अपने कारकों और महादशा के अनुसार पड़ता रहेगा। मेष राशि के जातकों के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा, मगर कार्य क्षेत्र में मेहनत की प्रवृत्ति बनी रहेगी और मन मुताबिक काम हो सकता है। व्यावसायिक उत्थान का समय चल रहा है और उससे संबंधित मामलों में सहयोग भी मिलता रहेगा। सरकारी कामकाज में भी लाभ संभव है और नई कार्य योजनाओं के लिए सहयोग मिलेगा। आर्थिक पक्ष आपकी क्रियाशीलता के ऊपर निर्भर करेगी, फिर भी प्रबल उत्साह और कार्य ऊर्जा बनी रहेगी, मगर मानसिक स्तर पर चिंता, मधुर संबंधों में कमी और पैर के घुटनों में तकलीफ का संकेत भी मिलता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। वृष राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए और मानसिक स्तर पर नकारात्मक विचारों का उठना और अनावश्यक खर्च का संकेत भी मिलता है। दृढ़ निश्चय और कार्य ऊर्जा मानसिक स्तर पर प्रभावित होगी। निजी संबंधों में तनाव और अनचाही यात्रा का योग बनता है। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी। आजीविका से संबंधित कार्यों में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। रुके हुए सरकारी कामकाज संपन्न होंगे और व्यावसायिक उन्नति में प्रतियोगी भावना विकसित होगी। संतान संबंधी मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिल सकती है। प्रयास जारी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में निरंतरता आपके सकारात्मक प्रयासों और पारिवारिक दिशा निर्देश के ऊपर निर्भर करेगी, मगर हर काम में प्रयास अधिक करना पड़ेगा। निर्णय लेने की क्षमता में उतार चढ़ाव संभावित है। साझेदारी के लाभदायक प्रस्ताव सामने आएंगे, मगर कुछ काम संपन्न होने में देरी हो सकती है और सावधानी अपेक्षित है। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। आपसी संबंध प्रभावित होंगे। कमर में जकड़न और पेट संबंधित दिक्कतें संभावित हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। मन मुताबिक काम होंगे। प्रयास जारी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। कर्क राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी चाहिए। पारिवारिक तालमेल में कमी, मन में नकारात्मक भावों का पैदा होना और उत्साहहीनता की प्रवृत्ति का संकेत मिलता है। हालांकि कार्य क्षेत्र की प्रेरणा बनी रहेगी। सहयोग और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। नए प्रस्ताव और नई कार्य योजनाओं में लाभ मिलेगा, मगर निजी जीवन प्रभावित रह सकता है। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। साझेदारी के कामों में सावधानी अपेक्षित है और वाहन चलाने में सावधानी बरतें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है। प्रयास जारी रखें। सिंह राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र के विस्तार में सहयोग मिलेगा। उत्तेजना और विवाद की मानसिकता बनी रहेगी। देश काल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए काम करने में सावधानी बरतें। शनि चंद्रमा की युति पहल करने की प्रवृत्ति को प्रभावित करेगी। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं संभावित हैं। किसी काम को करने में पूरी सावधानी के साथ तल्लीनता आवश्यक है। एक काम को करते हुए दूसरे विषय के प्रति दिमाग में विचारों को ना लाएं। दुर्घटना संभव है। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी। प्रयास जारी रखें और न्यायालय या वाद विवाद संबंधित मामलों में सहयोग मिलेगा। कन्या राशि के जातकों के आर्थिक मामलों में विवाद, पारिवारिक तालमेल में कमी, मां के स्वास्थ्य की चिंता, रात की नींद में कमी और मन में दुश्चिंताओं का पैदा होना संभावित है।
निजी संबंधों में तनाव व असंतुष्टि का संकेत भी मिलता है, मगर आप अपने पेश आने के तरीके और वाणी की मधुरता से मामले को नियंत्रित करने में सफल रहेंगे। नई कार्य योजनाओं और निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल है। आर्थिक मामलों में सहयोग मिलता रहेगा, साझेदारी लाभदायक रहेगी। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में मेहनत के अनुरूप सफलता हासिल होगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। तुला राशि के जातकों के लिए प्रयासों का दौर जारी रहेगा। सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। पारिवारिक प्रेरणा से लाभ संभव है। नई कार्य योजनाओं में सरकारी विभाग और अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल रहेंगे, मगर कुछ कामों में संघर्ष की स्थिति, कार्य क्षेत्र में अनावश्यक विवाद और वैचारिक भिन्नता संभावित है, मगर साझेदारी लाभदायक रहेगी। कुछ कामों में आर्थिक लाभ और पुराने मित्रों से मुलाकात संभव है। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के वाणी में उत्तेजनात्मक प्रवृत्ति बनी रहेगी। प्रयासों का दौर जारी रहेगा और रचनात्मक पहल कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। परिस्थितियों के अनुसार मानसिकता में सुधार और वाणी में मधुरता कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाने का काम कर सकती है। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा, साझेदारी लाभदायक रहेगी और कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। संबंधित मामलों में पत्नी की सलाह महत्वपूर्ण होगी। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर संकेत मिलता है। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलेगा, मगर संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी। धनु राशि के जातकों को शनि चंद्रमा की युति मानसिक रूप से प्रभावित करने का काम करेगा, जिससे आत्मविश्वास और कार्य क्षमता भी प्रभावित होगी। आर्थिक लाभ और कार्य क्षेत्र में सहयोग मिलेगा। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मेहनत करने की प्रवृत्ति भी बनी रहेगी। अचानक भावना प्रधान प्रवृत्ति संभावित है। हालांकि नवीन कार्य योजनाओं के प्रस्ताव सामने आएंगे और प्रतियोगी भावना बनी रहेगी। वाहन सावधानी से चलाएं। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग मिलेगा और सफलता संभावित है। मकर राशि के जातकों के लिए शनि चंद्रमा की युति और चंद्रमा के केतु के नक्षत्र में होने से मानसिक दुश्चिंता, अनावश्यक खर्च, अनचाही यात्रा का संकेत मिलता है। हालांकि कार्य क्षेत्र में सक्रियता, उत्साह में वृद्धि, प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी। निजी निवेश और साझेदारी के कामों के लिए आज का दिन उचित नहीं होगा। विभागीय कर्मचारियों को उचित दिशा निर्देश मिलता रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी रखनी चाहिए। वाहन सावधानी से चलाएं। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। प्रयास जारी रखें और पारिवारिक सामंजस्य बनाए रखें। कुंभ राशि के जातकों के रुके हुए कामों में गति आएगी, मगर सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप और आर्थिक लाभ की स्थिति में थोड़ी देरी या रुकावट संभावित है। हालांकि आपके प्रयास करने की क्षमता में कमी आएगी। आत्मविश्वास में और बुद्धि कौशल प्रभावित रहेगा, मगर कार्य क्षेत्र की अनुकूलता बनी रहेगी और नए प्रस्तावों के लिए सहयोग मिलता रहेगा। अनावश्यक विवाद संभावित है और विरोधी पक्ष सक्रिय रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी अपेक्षित है। वाहन सावधानी से चलाएं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता संभावित है। प्रयास जारी रखें। मीन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। वाहन सावधानी से चलाएं और उचित चिकित्सकीय परामर्श समय समय पर लेते रहें। हालांकि उच्च का मंगल आपके काम में आ रहे अवरोध को कम करने में सहायक होगा, मगर शनि चंद्रमा की युति कार्य क्षेत्र में अवरोध, व्यावसायिक विवाद और उत्साहहीनता की स्थिति का संकेत देता है। संबंधित मामलों में अनावश्यक खर्च और यात्रा की संभावना भी बनती है, मगर आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें और आत्मविश्वास को बनाए रखें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा। अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।